नमस्कार एसके लाइभ को साझ को प्रसारण में यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म ज्योत्सना को साथ में प्रस्तुत छ आज का प्रमुख समाचार। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,25,00,000 गारंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री बैका टिकटर बाट। विगत 2007 सालदेखि यता गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन समयमा शहीद भएका 13 जना शहीद परिवारको सदस्यहरूलाई जीटीएको पक्षबाट सरकारी नियुक्ति प्रदान गरिएको छ भने उक्त 13 जना मध्ये रेलिङ कैजले समष्टिका शहीद महेश गुरुङका दाजु शिव गुरुङलाई पनि रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्ति दिएको छ। आज विद्यालयका प्रधान अध्यापक एसके मोक्तानको बाहुलीबाट तिनलाई नियुक्ति प्रदान गर्दै स्वागत गरिएको छ। यस अवसरमा भागोप्रमो रेलिङ शाखाका महासचिव रञ्जित खवा साथै शाखा सभापति सञ्जीव राईले उक्त महत कार्यको निम्ति क्षेत्रीय सभासद सतीश पोखरेल लगायत जीटीए अध्यक्ष अनित थापाप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। र आज हामी किन उपस्थित छौँ भन्दाखेरि है 2017 यता जुन गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा शहीद बने उहाँका परिवारहरूलाई गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासन साथै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको पहलमा जुन 7 सेप्टेम्बर 2022 दिन जम्मा 13 जनालाई ग्रुप सी अनि डीमा एपोइन्टमेन्ट लेटर दिनुभयो, एपोइन्टमेन्ट गर्नुभयो। र यो कार्यको निम्ति हामी रेलिङ कैजले समष्टि अधीनस्थ रेलिङ शाखामा पनि एकजना शहीद बन्न पुगेको हुँदा स्वर्गीय शहीद महेश गुरुङको दाजु शिव गुरुङलाई भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टी साथै गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासनले रेलिङ हायर सेकेन्डरी। जीटीए कर्मचारी संगठन जोरबंग्लो सुखिया इन्जिनियरिङ शाखाको तत्वावधानमा तथा केन्द्रीय समिति पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा सांगठनिक सभा सम्पन्न गरियो। सभामा जेसीडी पोखरेबोङ चामोङ लगायत सुके खण्ड समिति गठन गरियो भने सुके पोखरी जोरबंग्लो रङबुल आदि शाखाहरूको पनि गठन गरिएको सुभाष बस्नेतले बताएका छन्। जीटीए कर्मचारीहरूको समस्याबारे चर्चा भएको सभामा जीटीएबाट भइरहेको सकारात्मक पहलले कर्मचारीहरूलाई टेवा पुर्याउने कुरामा संगठन विश्वस्त रहेको अवगत गराइयो। जीटीए कर्मचारी संगठन सेन्ट्रल कमिटी लगायत जोरबंग्लो इन्जिनियरिङ डिभिजन सुकिया पोखरेबुङ साथै रङ्गुलका सम्पूर्ण जिटिएमा कार्यरत कर्मचारीहरूको एक सभा जोरबङ्गलो स्थित सामुदायिक भवनमा सम्पन्न भयो। र आजको सभामा जेसीडी पोखरेबुङ चामुङ लगायत एउटा ब्लक कमिटीको गठन गरियो र उक्त सभामा नै अन्य रङ्गुल सुखिया युनिटहरूको पनि गठन गरियो। र आजको सभामा ब्लक कमिटीका पदाधिकारीहरूको चयन पनि गरियो र युनिटको पदाधिकारीहरूको चयन पनि गरियो। र विशेष आजको सभामा जिटिएमा कार्यरत धेरै कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो। र आजको सभामा वर्तमान जिटिएमा दैनिक रूपमा बाटोको अवस्था दयनीय भएको तथा विभागीय रूपमा कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै पर्यटक स्थल मेगीटारलाई जोड्ने बाटो अप्पर सिरिसे, अप्पर बडारे, समालबोङ, नोर लगायतका गाउँहरूका स्थानीय युवाहरूले निशुल्क रूपमा सडक मरम्मत गरेका छन्। वरिपरिका गाउँका बुद्धिजीवी तथा होमस्टे सञ्चालकहरूको सहयोगमा उक्त मर्मती कार्य गरिएको हो भने सहयोगी सबैलाई युवाहरूले आभार प्रकट गरेका छन्। अर्कोतिर पर्यटक स्थल मेगीटारको अवस्था दैनिकी रूपमा दयनीय बन्दै गएकोले उक्त रोडलाई सम्बन्धित विभाग लगायत नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन्। हामीले एउटा जनगुनासो पनि राखेका थियौँ, किनखेरि अब यो बाटो जुन बनिनु पर्ने तर अब अवस्था अहिले यो खालको बनाइदियो है, अनि अहिले हामी खुदै यहाँ आएर यसरी हामी यहाँ काम गर्नु बाध्य बन्यो। किन भन्दाखेरि बाटो एउटा अब यस्तो चिज हो जो सबैलाई चाहिन्छ र धेरै गाह्रो भएको कारण है आज धेरै गाउँवासीहरूले यहाँनिर सहयोगहरू गरेर योगदान गरेर है विशेष यस बाटोलाई ध्यानपूर्वक हामीले कामहरू गर्न पायौँ। यसको लागि म सम्पूर्ण सहयोग गर्ने है
यसमा हात बढाउनु हुने सम्पूर्णलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यस मार्फत है च्यानल मार्फत। र अब पहिला चाहिँ यसलाई खासै भन्नुपर्दा चाहिँ यसको रिपायरहरू पनि आएको थियो अरे भन्ने चाहिँ सुन्नमा आयो, तर यो केही काम योग्य यहाँ भएन, कामहरू केही भएन है। र यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो अब यो मेगाटार इको टुरिज्म एउटा यहाँनिर धेरै नै अहिले यहाँ होमस्टेहरूले गर्दाखेरि अलिकति प्रचलित भएर यहाँ धेरै नै मान्छेहरू आवाजावत गर्ने गर्छ है। अनि यो चिजलाई अब हामीले अगाडि लानुको लागि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण गाउँहरूका युथहरू छन् जति पनि है। दार्जिलिङ जिल्ला पुलिसको निर्देशमा मिरिक पुलिसले डन बस्को स्कूलमा विद्यार्थीवर्ग अनि संघ संस्थाका मानिसहरूलाई सहभागी गराएर साइबर क्राइमबारे सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। डन बस्को स्कूलका फादर मुर्मुको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त सचेतना कार्यक्रममा मिरिकका सिआई सुरेन्द्र दास, इन्सपेक्टर रञ्जन दास, मिरिक थाना प्रभारी सुदीप कुमार विश्वास आदिले दार्जिलिङ जिल्ला पुलिसको निर्देशमा उक्त कार्यक्रम गरेको जानकारी गराउँछ। साइबर क्राइमबाट विद्यार्थीवर्ग अनि आम नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताएका छन्। कई सारे देशके कई सारे हिस्सोमा बहुत बडे बडे घटनाएं हो गए, दुखद घटनाएं हो गए, तो उसको ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ ना हो उसका मुहिम हमारे बड़ा साहब ने छेड़ रखे हैं। हम लोग उसी के ही सिपाही हैं, हम लोग वही काम कर रहे हैं बाखूबी के यहाँ ये आगे हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ ना हो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं खासकर जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, वो सेफ रहें और हमारे जो ड्यूटी हैं हम लोग उसको करते रहें। खासकर खाली बच्चे ही नहीं, उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके तरफ से भी काफ़ी बार हम लोगों ने देखे हैं, काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आते हैं कि बैंक फ्रॉड हो गया है। छिमेकी राष्ट्रिय नेपालको टिभी कार्यक्रम नेपाल सिङ्गिङ सुपरस्टारमा दार्जिलिङ पहाडका छोरा नामगेल लामाले प्रतियोगितामा असल गायन प्रस्तुत गर्दै शीर्ष 10 राउन्डमा पुगेकोले उक्त प्रतिस्पर्धामा नामगेललाई भोटको निम्ति सबैलाई अनुरोध गर्दै दार्जिलिङको नामगेल दिदी मोना लामा लगायत फ्यानहरू अघि आएका छन्। अनि नामगेल लामा चाहिँ अहिले टप 10 प्रदर्शन गरिरहेको छ नेपाल सिङ्गिङ सुपरस्टारमा। अमाउन्ट 25 उनीहरूको फर्स्ट हामीले उनीहरूको यो सोमा जाँदाखेरि चाहिँ नामगेल चाहिँ 25 कम्पिट गरिरहेको थियो, अहिले चाहिँ टप 10 पुगेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले प्रदर्शनी गरिरहनु भएको छ। कुन चाहिँ कन्टेस्टमा अनि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यो चाहिँ सोको नाम चाहिँ नेपाल सिङ्गिङ सुपरस्टार भन्छ यो सो चाहिँ। अनि उसको चाहिँ अब यहाँ दार्जिलिङबाट चाहिँ हाम्रो नामगेल मात्रै गएर चाहिँ त्यहाँनिर पर्फर्म गरिरहनु भएको छ, र नामगेल चाहिँ एज इन्डिभिजुअली मात्रै नगएर पनि हाम्रो दार्जिलिङको नाम त्यहाँ गएर राखिरहनु भएको छ, हाम्रो दार्जिलिङलाई चिनाइरहनु भएको छ। अनि उहाँ जजेसहरू राज्य सरकारद्वारा भर्खरै स्कुल युनिफर्मको परिवर्तन गर्ने विषयको राज्यको विभिन्न क्षेत्रहरूमा विरोध भइरहेको छ भने सिलगढीको तारपद आदर्शन विद्यालयका विद्यार्थी एवं अभिभावकहरूले पनि सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै आज विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यही कारण जे आमादेर ए ऐतिह्यवाही ड्रेस आम्रा चेन्ज होते दिच्छि ना दिबो ना, कारण आजके এক একটা স্কুলের এক এক রকম বয়স হয়ে গেছে। আমাদের তরা স্কুলের এই 75 হবে সামনে বছর, বয়েজ স্কুলের প্রায় 102 হয়ে গেল। তা এইসব জিনিস আমরা মানছি না, এত বছরের একটা ঐতিহ্যবাহী ড্রেস যেটা পরে আমরা ক্লাস 1-12 পর্যন্ত আমরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমরা এখানে এসে মর্নিং এসে ক্লাস করেছি, দিনের পর দিন এই এই জামাটার মধ্যে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, আমাদের যেরকম মাস্টারমশাইদের প্রতি একটা ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে, স্কুলের প্রতি যেরকম আলাদা একটা ভক্তি শ্রদ্ধা মায়া থাকে, এই ড্রেসের প্রতি এই ব্যাচের প্রতিও কিন্তু আমাদের যথেষ্ট পূর্ণ মায়া এবং ভক্তি জড়িয়ে আছে। সম্মান সমাচারক ক্রমমা অব পালো ভাইকো সো একটা ছোট বিশ্রাম কো সিলিগুড়ি স্থিত সৌষ্টিক টাওয়ার সালুগোড়া লিয়ে আইক টু বিএচকে ফ্ল্যাট মাত্র 22,61,000 মা অহলে নভে কহিলে সৌষ্টিক টাওয়ার অতিরিক্ত সুবিধা চিলড্রেন্স প্লে এরিয়া রুফটপ গার্ডেন গজিবো সিটিং যোগা এরিয়া ওপেন জিম কার পার্কিং সিসিটিভি এন্ড জেনেটর সিলিগুড়ি স্থিত সৌষ্টিক টাওয়ার সালুগোড়া বুকিং নিমতি সম্পর্ক নম্বর 6295700351। के तपाईको परिवारले भन्ने गर्छ कति जोडले टिभी चलाइराखेको, के फोनमा कम्ती सुन्नुहुन्छ, के भिडभाडमा सफा सुन्नुहुन्न, के एकजना भन्दा अधिक मानिससँग कुरा गर्न असुविधा हुने गर्छ, अर्थात् कानमा समस्या भए
आजै सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर अपोजिट विधान मार्केट अटो स्ट्यान्ड सिलगढी फोन नम्बर 8509454426 हियर बेटर लिभ बेटर। जरूरत हो WPVC दरवाजा या चौखट या फिर PVC प्लाईवुड जो बढ़ाएगी आपके घर के मॉड्यूलर किचन की शान, साथ ही वाटरप्रूफ प्लाईवुड लगाइए, चलेगा सालों साल, बेफिक्र हो जाइए। मार्केट प्राइस से सस्ते का वादा, क्योंकि होलसेल है हम, तो बताइए क्या है आपका इरादा। वुड स्टॉक, ड्रामसा रेंटल्स, 3rd mile, सेवोक रोड, ऑपोजिट सिंड्रेला होटल, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9735198663। नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान, जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गार्मेंट्स लाया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, आगरा, सूरत के लेटेस्ट गार्मेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहां 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर, जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गार्मेंट्स, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7477786365। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हैवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हैवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, LED लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम, हैवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX हैवेल्स, गैलेक्सी, जेमहाउ, बिसाइड उत्तरबन, मारवाड़ी भवन, 2nd mile, सिलीगुड़ी। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? सच्ची किन्नोस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपया में, अनि जित्नु होस पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवेल्स गोल्ड मेडल, RR कैबेल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760-830-848-58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 mile सेवक रोड सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। वी आर इन फोटोग्राफी सिंस 1966।
Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813. Godrej Interio Gharelu aur Karyalay dono kshetron mein Bharat ka premium furniture brand hai, jo design, nirman aur sthirta ke liye ek jana mana naam. Furniture shreni mein desh ki sabse badi in-house design team. Aapki sehat ka khyal rakhte hue, hum aapka jeevan bhar saath nibhate hain, kyunki hum hain Green Guard certified, ergonomic aur bahut tikau. अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे SN Interiors गोदरेज शोरूम प्लेनेट मॉल सेवोक रोड सिलीगुड़ी. हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स परनामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है. हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं. दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन. 3D डिजाइन भी पॉसिबल है. दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज. दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years. वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर. ये टीकूड डोर है, 100% प्योर टीकूड. हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग. इसके अलावा फ्लावर पैटर्न डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं. दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड. दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर. ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है. विश्राम पछि समाचार पूर्ण विस्तार में. हिमाली वेलफेयर सोसाइटी को त्रिमासिक सभा निमा नर्बु शेर्पा को अध्यक्षता में संपन्न भएको छ. स्थानीय भवन में आयोजना गरेको त्रिमासिक सभा में तकदा ग्लेनवर्न समष्टि को सभासद सन्नी तामाङलाई विशेष रूप में निम्त्याएका थिए. यसै अवधि हिमाली वेलफेयर सोसाइटी को पक्षबाट अध्यक्ष निमा नर्बु शेर्पा को बाहुलीबाट सभासद सन्नी तामाङलाई सम्बोधन जनाइएको छ. कार्यक्रममा माध्यमिक परीक्षामा 80% अंक प्राप्त गर्ने आकांक्षा शर्मा र खुशी तामाङलाई पनि सम्बोधना जनाइएको छ. त्यसरी नै 11 वर्षदेखि समाजमा टेवा पुर्याउँदै आएका निमा शेर्पालाई पनि सम्बोधना जनाइएको बताइएको छ. सिलगढी सुके चालक कल्याण संगठनद्वारा बाघहिट्टी तथा वरिपरि सफाई अनि सुन्दरीकरण कार्य सम्पन्न गरियो. सवारी साधन हाक्ने हातहरूले समाज सेवा पनि गर्न सकिन्छ भने उदाहरण प्रस्तुत गर्न सिलगढी सुके ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसन अघि आएको छ. संगठनले गत केही दिन अघिदेखि नै सुके पोखरी क्षेत्रको सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा रहेको बाघहिट्टीको सरसफाई एवं यसको सुन्दरीकरणको निम्ति कार्य युद्ध स्तरमा सुरु गरेको थियो भने यस विषयमा एसोसिएसनका सचिव दावा सोनाम शेर्पाले थप बताएका छन्. हामी सम्पूर्ण सुक्खा सिलगढी चालक संगठनका प्रतिनिधि मण्डल, मेरो देवतर्फ हुनुहुन्छ सभापति दिनेश छेत्रीज्यू, साथमा दाहिने तर्फ हुनुहुन्छ मेरो अभिषेक प्रधान सहसचिव, र आज हामी समस्त सुक्खा सिलगढी चालक संगठनद्वारा 11 सेप्टेम्बर विश्वकर्म पूजाको पावन अवसर पारेर बाकेटी अनि यसको परिसरमा साफसफाइ साथै सौन्दर्यीकरणको निम्ति सामान्य रूपमा रङ पचेरा पनि गरियो. हामीले सालमा एकपल्ट जहिले पनि पूजाको अवधिमा यो कार्यक्रम गर्ने गर्छौँ. यो हाम्रो सुकिया बजारको निम्ति सिलगढी स्थित फुवागढी इन्डस्ट्रियल पार्कमा एक सुरक्षा कर्मीको फाँसी लागेर झुन्डिएको शव फेला परेको छ. आज बिहान लगभग 10 बजे कोठामा झुन्डिएको शव फेला परेको छ भने न्यू जलपाइगुडी थाना पुलिस घटनास्थलमै पुगी शवलाई बरामद गरी पोस्टमार्टमको निम्ति उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज एवं अस्पताल पुर्याएको बताइएको छ. हाल पुलिस घटनाको जाँचमा लागिपरेको बताइएको छ. घटनाटा कि हामी किसै जानिन. आमा त खुब आदरेर भाइ छिलो, एखाने सुन्दरभावे चाकरी गर्थ्योसि. हाँ, एटा আমি 3 বর্ষ আর 2 বর্ষ আমার দিনহাটা, আর আমার ভাইয়ের বাড়ি হলো ধুমালখাতা, শ্বশুরবাড়িতে উনি বিয়ে করেছেন. কারণ স্যার আমি কিছুই বুঝি না, কারণে আমি বুঝতেই পারবো না. আমার এত সুন্দর ইয়াও এখানে খেয়েছো, কিচ্ছু আমি বলতে পারবো না. না না, এখানে কোনো ঝগড়া বিবাদ, কারোর সঙ্গে কোনো ঝগড়া বিবাদ হয় নাই. যেটা বলতে সুন্দরভাবে চাকরি করতেছি,
বাড়িতে আছে স্ত্রী মেয়ে একটা আর শালা সম্বন্ধী আছে বাস। आज नाम्चीमा तीन दिन व्यापी तेस्रो बीएफआई इस्ट जोन इलाइट पुरुष एवं महिला बक्सिंग प्रतियोगिता को दोस्रो दिन को खेल संपन्न भएको छ। उक्त प्रतियोगिता को आयोजना सिक्किम एमेच्योर बक्सिंग एसोसिएशन को सहयोग में नाम्ची जिला बक्सिंग एसोसिएशन ले गरिरहेको छ। यस प्रतियोगितालाई सफल बनाउन सिक्किम मेघालय आसाम र पश्चिम बंगालका खेलाडीहरूले सहभागिता जनाएका छन्। मन्त्री सञ्जीत खरेलको मुख्य उपस्थिति रहेको आजको कार्यक्रममा सांस्कृतिक नृत्य आदिको पनि प्रस्तुति रहेको थियो। हस् आजलाई यति नै, भोलि पुनः अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् यसकेलाई, धन्यवाद। समन्दर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू तीन बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो। ₹6 માં 1 કરોડ સચ્ચી કિન્નોસ દેર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ ₹6 માં અને જીતનું હોસ પહેલો પુરસ્કાર ₹1 કરોડ।